ये ब्लॉग उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि बुद्ध मोनेस्ट्री जो है वो हमारे गुवाहाटी सिटी में भी है, नॉर्थ गुवाहाटी सिटी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये भूटान का कुछ फ्लैक्स वगैरह एंड इसमें मंत्र। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो पिछला एपिसोड आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया था, उसमें हम लोग गए थे राइड पे एंड उसमें बहुत सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना हर एक ब्लॉग पे। तो आज थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया, तो आज हम लोग जाने वाले हैं बुद्ध मोनेस्ट्री एंड वो है अमीन गांव में, मतलब नॉर्थ गुवाहाटी के साइड में। तो बहुत लोग जानते भी है एंड बहुत लोग नहीं भी जानते। तो ये ब्लॉग उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि बुद्ध मोनेस्ट्री जो है वो हमारे गुवाहाटी सिटी में भी है, नॉर्थ गुवाहाटी सिटी में। तो चलते हैं एंड वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ का व्यू। मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड बहुत ही अच्छा लगा, गूगल मैप्स के जरिए मैंने देखा था। तो लाइव जाके देखते हैं कि कैसा है एंड आपको भी दिखाते हैं एंड लोकेशन वगैरह सारा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड और एक चार फ्रेंड जा रहे हैं, अनुराग, सुमित, जैकी एंड आदित्य। तो चलते हैं, ये फ्रेंड छोटा सा राइड हो जाएगा, तो चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोग। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आशु व्लॉग्स स्क्रीन पे आ रहा होगा, चेकआउट कर सकते हो। तो जाओ जल्दी जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे फोटोज़ वगैरह भी अपलोड होते रहते हैं तो एंड अपडेट वगैरह भी होते रहता है नया नया ब्लॉग का। तो जल्दी जाओ फॉलो कर लो एंड चलते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दूल्हा राजा जो रेडी है सूट वूट पहन के, तो चलते हैं अभी, रेडी वगैरह हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से दिख रहा है एंड आगे वाला गेट से हम लोगों को जाना है, ये वाला गेट नहीं है, आगे वाला गेट से हम लोगों को जाना है एंड ये हाईवे चेक कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं एंड यहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह देख सकते हो, ऑफ रोडिंग जो है पहले मतलब अभी फ़िलहाल रिपेयरिंग चल रहा है, रास्ता वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसके वजह से रोड्स वगैरह पूरा ऑफ रोड होके रखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे जेसीबी वगैरह का देख सकते हो एंड ये चेक आउट करो भाई, ये लग रहा है मेरे को भूटान का बिल्डिंग वगैरह का स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे आपको, तो जो भी मिलेगा सारा भूटान वगैरह का फीलिंग दिलाएगा आपको। क्या बोलेगा, बोलो जो आपका मन करे। गाइस यहाँ पे एनवायरनमेंट देख सकते हो, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है एंड आप आ सकते हो यहाँ पे एंड लोकेशन वगैरह मैं आगे वीडियो पे बोल दूंगा, पहले चलते हैं। एंड अभी फ़िलहाल मंदिर वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए मंदिर वगैरह जो है वो क्लोज होके रखा हुआ है, बट ऊपर चलते हैं, ऊपर स्टैचू जो है वहाँ पर आपको सीन दिखाते हैं एंड व्यू दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, तो सारा इस वीडियो पे कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपहिल है तो थोड़ा चलना पड़ेगा एंड पीछे साइड में आ रहा है भाई फ्रेंड लोग, तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सुमित आ ही रहा है सबसे पीछे एंड यहाँ पे अनुराग है एंड हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर तक एंड ऊपर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो गाइज एक बार नीचे चलते हैं एंड स्टैचू दिखा देते हैं कि कितना बड़ा स्टैचू है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्राउड वगैरह एंड ये स्टैचू देखो भाई, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टैचू मिलेगा एंड सामने से दिखा देते हैं, तो सामने से कुछ ऐसा बुद्ध का टेंपल का स्टैचू मिलेगा एंड यहाँ पे व्यू देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह भी है। Thank you.
तो गाइज यहाँ पे ढेर सारा फ्लैग्स है एंड इसमें भाई कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक मंत्र वगैरह लिखा हुआ है। एंड ये बहुत ही पावरफुल फ्लैग वगैरह माना जाता है भूटान से। एंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे स्टैचू वगैरह है। एंड ये है परिनिर्वाणा स्टूपा बोलते हैं इसको, जो कि मिसेस सी एस लामा के दौर पे था ये वाला स्टूपा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे मामा की वाइफ ने जो इनाग्रेशन किया था अपर पार्ट ऑफ असम बुद्ध विहार, जो कि रिंकू भुयान शर्मा की तरफ से किया गया था इनाग्रेशन। एंड यहाँ पे व्यू चेकआउट करो मैन, तो नीचे देख सकते हो नीचे ढेर सारे बच्चे आए थे। एंड नीचे वहाँ पे देख सकते हो ये है टेम्पल, मेन टेम्पल। एंड मेन टेम्पल के अंदर, एंड गाइस टेम्पल के अंदर बहुत सारे आपको लामा देखने मिलेंगे, मतलब पंडित जी हम लोग जिसे बोलते हैं उनको भाई भूटान में लामा बोला जाता है। एंड यहाँ पे स्टैचू वगैरह चेकआउट कर सकते हो, स्टैचू वगैरह बहुत ही बड़ा है। एंड ये बुद्ध टेम्पल का स्टैचू है। तो गाइज यहाँ से पूरा सिटी दिखता है, गुवाहाटी सिटी, नॉर्थ गुवाहाटी सिटी। एंड व्यू चेकआउट करो मैन। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है फ्रेंड लोगों का। एंड उस साइड जो देख रहे हो रेलवे ट्रैक, एंड ये रेलवे ट्रैक जो है ये रंगिया की तरफ जाता है, मतलब रंगिया जंक्शन। एंड यहाँ पे व्यू देखो मैन, सनसेट हो रहा है, सनसेट भी बहुत ही प्रीटी लग रहा है यहाँ से। एंड देख ही सकते हो भाई व्यू। हाँ आप सब ले ले गए अच्छे से। तो गाइज अभी फ़िलहाल निकलने का टाइम हो चुका है एंड इवनिंग भी होने वाला है, तो चलते हैं। एंड गाइज व्यू वगैरह कैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। लोकेशन जो था वो नॉर्थ गुवाहाटी था, एंड प्रॉपर जो लोकेशन का लिंक वगैरह रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप मैप के थ्रू ये वाला लोकेशन पे आ सकते हो। एंड गाइज यहाँ से व्यू वगैरह देख सकते हो, ये रहा पीछे साइड में स्टैचू, एंड स्टैचू बहुत ही लंबा मतलब बड़ा था भाई। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने कवर कर ही लिया बुद्ध मोनेस्ट्री जो कि नॉर्थ गुवाहाटी में। एंड अभी चलते हैं, एंड ये वाला जो रास्ता है ये मंदिर के अंदर के रास्ता है, मतलब अभी फ़िलहाल मंदिर वगैरह में कंस्ट्रक्शन चला है इसीलिए बंद है। एंड ये देख सकते हो ठीक मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है आपको डोर। एंड गाइज निकलते हैं, सब लोग निकल चुके हैं, एंड बाहर जाके कुछ खाना वगैरह भी है बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लगा। एंड फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पे, तो कुछ खाते हैं एंड व्लॉग को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।